आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और अभी हम जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बात करने वाले हैं। सेवेंथ फेज जो नियमावली जो वैकेंसी है जो आपका मुहर लग चुका है उसके सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो BPSC जो एग्ज़ाम लेगी आपके सेवेंथ फेज का उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। यह सवाल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों बच्चों का जो है ज़्यादा सवाल आ रहा था कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभी जो कंफर्म डेट है वो नहीं आई है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आयोग के द्वारा जो आपका सिलेबस है वो अभी पूरी तरह से पुख्ता यानी कि कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन जो मैं यहाँ पर आपका सिलेबस बताने वाला हूँ यह आपका सिलेबस जो है BPSC हेडमास्टर का जो है सिलेबस रहने वाला है, जिसमें जो है BPSC ने कुछ महीने पहले ही हेडमास्टर का जो है वैकेंसी का जो है एग्ज़ाम लिया है और उसमें जो सिलेबस था उसी के अनुरूप जो है आपका यहाँ भी जो है सिलेबस रहने वाला है। और मैं आपको बता दूँ 90% आपका जो है सिलेबस यही रहने वाला है। 10% आपको चेंज होते हुए नजर आ सकता है लेकिन बाकी आपके 90% जो सिलेबस है वो आपका यही रहने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी जानकारी सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दी जाती है, तो आपसे निवेदन है ओके। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो आपका एक दो महीना पहले ही BPSC का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें जो है BPSC हेड मास्टर का जो सिलेबस दिया गया था वो आपका 150 क्वेश्चन का था। और ये 150 क्वेश्चन में जो है मैं आपको बता दूं कि CTP और शिक्षण से जो है आपके 75 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 75 क्वेश्चन जो आपके CTP वगैरह होते हैं, शिक्षण होते हैं। जो बच्चे DLED BED किए हुए हैं तो आपके DLED और BED में जो पेपर्स होते हैं ना उससे रिलेटेड आपके जो है 75 क्वेश्चन यहाँ पर थे, समझ गए। और जो 75 क्वेश्चन था वो आपका GS से था। अब GS में अगर हम बात कर ले कि क्या क्या पेपर आते हैं तो GS में आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका जो है GK था और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे, सिविक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी से थे, हिस्ट्री से थे, EVS से थे और आपका इकोनॉमिक्स भी था। यानी कि जो आपका जनरल साइंस है इसमें सारे आपके पेपर आ गए थे, समझ गए। GK, साइंस, पॉलिटी, सिविक्स, ज्योग्राफी, EVS, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब आपका पेपर आ गए थे। CDP से आपके 75 क्वेश्चन थे। ये आपके जो है BPSC हेडमास्टर का सिलेबस था। उसी के अनुरूप जो है मैंने यहाँ पर जो है सेवेंथ फेज जो आपका नियमावली जो वैकेंसी है इसके ऊपर तो मुहर लग गई है नियमावली के ऊपर। और इसमें जो है कहा गया है कि BPSC जो है आपका क्या करेगी, एग्जाम कंडक्ट कराएगी, समझ गए BPSC। तो इसके अनुसार जो जो सिलेबस रहने वाला है और आपने जो है CTET क्वालिफाई किया, स्टेट और सुपर टेट वगैरह दिया है आपने, तो आप सभी लोगों को तो इतना तो नॉलेज होगा ही कि क्या क्या मेन है। देखिए CDP ये तो कन्फर्म है कि आपके यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, CDP ये रहेगा ही रहेगा, ये पूरी तरह से कन्फर्म है, समझ गए। फिर अगर हम लैंग्वेज पेपर की बात कर ले, हिंदी और इंग्लिश, आपको टीचर बनना है तो भाई हिंदी और इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, तो ये भी आपका पेपर कन्फर्म है रहने वाला है EVS हिंदी और इंग्लिश, समझ गए। अब यहाँ पर आपका संस्कृत भी हो सकता है, ये लैंग्वेज पेपर है तो लैंग्वेज पेपर में आपका संस्कृत हो सकता है, उर्दू भी हो सकते हैं, समझ गए, उर्दू भी हो सकते हैं। EVS की बात कर लेते हैं, EVS होगा ही होगा और EVS के लिए आपको जो है NCERT पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि NEP 2020 में जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है जिसमें साफ तौर पर बोला गया है कि अब जो आपके जो NCERT है वो बेहद मस्ट है। और उसके अनुरूप अगर CTET की बात कर ले तो इसमें भी प्रश्न जो है आपके NCERT से पूछे गए थे, तो इसलिए जो है NCERT मस्ट है पढ़ना आपके लिए, समझ गए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ रहता ही रहता है। अगर आप कोई भी एग्जाम ले ले टीचिंग का, सुपर टेट ले ले, स्ट्रिक्ट ले ले, BTET ले ले, तो आपको वहाँ पर मैथ देखने को मिलता ही मिलता है। यहाँ भी आपको मैथ देखने को मिलेगा जो आपका 1 से 10 तक का मैथ रहने वाला है, नॉर्मल मैथ रहने वाला है, समझ गए। फिर यहाँ पर आपको जो है GS और CA यानी कि GS में आपको जो है जनरल साइंस और आपको जो है करंट अफेयर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर जो है आपको रीजनिंग के कुछ सवाल देखने को मिल सकते हैं। फिर आपको जो है कंप्यूटर से रिलेटेड आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यह जो आपका सिलेबस है यह आपका सेवेंथ फेज नियमावली के ऊपर जो है तैयार किया गया हुआ है। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि 90% यही आपका सिलेबस रहने वाला है। 10% आपका जो सिलेबस है वह चेंज हो सकते हैं लेकिन बाकी आपके जो है यही सिलेबस रहने वाले हैं। CDP के क्लास जो है बहुत जल्द आपको मिलना शुरू हो जाएगी। हिंदी वगैरह जितने भी इस क्लासेस है वो आपका सेवेंथ फेज के ऊपर जो है मिलना शुरू हो जाएगी। बस कुछ समय वेट कर ले, आयोग भी जो है बहुत जल्द आपका जो है सेवेंथ
11th फेज का जो है सिलेबस आउट करने वाला है, उसके बाद आपकी पूरी तरह से पुख्ता हो जाएगी। तो प्लीज आप सभी लोग जो है अपनी तैयारी में लग जाइए और जो मैंने यहाँ पर चीजें बताई है इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। यही आपके जो है सिलेबस में लगभग लगभग रहने वाला है। तो प्लीज आप सभी लोग स्टडी के ऊपर फोकस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।